वेलकम टू यू। आज बात करने वाले हैं इंग्लिश वर्ड लॉकडाउन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉकडाउन सेंटेंस में नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब जानते हैं इसे किस सिचुएशन में यूज़ किया जाता है। नंबर वन, एक आपातकालीन उपाय या स्थिति जिसमें लोगों को अस्थायी रूप से खतरे की आशंका के दौरान एक क्षेत्र या इमारत में प्रवेश करने से रोकना। नंबर टू, अस्थायी सुरक्षा उपाय के रूप में सभी या अधिकांश दिनों के लिए कैदियों को उनकी कोठरी यानी जेल तक सीमित करना। अगर वो कैदी बाहर निकलता है तो वो लोगों को हानि पहुंचा सकता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं। नंबर वन, रविवार 22 मार्च को भारत के कई हिस्सों में आपातकाल की स्थिति के लिए सुरक्षा लॉकडाउन कर दिया है। नंबर टू, सुरक्षा अधिकारियों ने भारत के कई हिस्सों को लॉकडाउन पर रखा ताकि कोरोना वायरस से बचा जा सके। नंबर थ्री, बिहार के कई जिलों में सुरक्षा के मद्देनज़र लॉकडाउन पर रखा है। अब एग्जैक्टली लॉकडाउन होता क्या है, इसे सिंपल भाषा में समझते हैं। लॉकडाउन एक इमरजेंसी व्यवस्था होती है। अगर किसी क्षेत्र में लॉकडाउन हो जाता है तो उस क्षेत्र के लोगों को घर से निकलने की अनुमति नहीं होती है। जीवन के लिए आवश्यक चीज़ों के लिए ही बाहर निकलने की अनुमति होती है। ज़रूरी काम जैसे दवा, अनाज, रुपये, अस्पताल, बैंक आदि कामों के लिए निकलना होता है। यह लॉकडाउन क्यों किया जाता है? किसी तरह के ख़तरे से इंसान और किसी इलाके को बचाने के लिए लॉकडाउन किया जाता है। जैसे कोरोना के संक्रमण को लेकर कई देशों में किया गया है। कोरोना वायरस का संक्रमण एक दूसरे इंसान में न हो, इसके लिए ज़रूरी है कि लोग घर से बाहर कम निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। अगर बाहर निकलने की स्थिति में संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती है।